इस वीडियो में हम नंबर ग्रुप में नंबर फॉर्मेट के डेट फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अलग अलग डेट फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं और डेट को कंट्री वाइज चेंज कैसे किया जाता है और डेट को हिंदी पंजाबी आदि लैंग्वेज में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले डेट फॉर्मेट क्या होता है। तो डेट फॉर्मेट जो होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है DD/MM/YYYY, ये लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है डेट फॉर्मेट। तो डेट फॉर्मेट इसे हम अपने ढंग से बना सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे दो बार DD है, अगर हमने एक D लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक डिजिट आएगा, यहाँ पे जो है एक डिजिट आएगा। अगर हमने दो बार यहाँ पे DD लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे दो डिजिट आएंगी, जैसे यहाँ पे दो डिजिट आएंगे। अगर तीन बार D लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो डे है वो शॉर्ट में आएगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है संडे, तो ये शॉर्ट में आएगा यहाँ पे संडे। अगर यहाँ पे चार बार D लिखा हुआ है, इसका मतलब है डे जो है पूरा आएगा, जैसे संडे, यहाँ पे संडे पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये डे का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद है मंथ। मंथ में क्या होता है, अगर एक M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मंथ में एक डिजिट आएगा। अगर दो M लिखे हुए हैं, इसका मतलब है मंथ में दो डिजिट यहाँ पे आएंगे। अगर तीन बार M लिखा हुआ है, इसका मतलब है शॉर्ट में जो है मंथ नेम आएगा, जैसे यहाँ पे जनवरी ये आएगा। अगर डेट फॉर्मेट में हमने चार बार यहाँ पे M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो मंथ नेम है वो पूरा आएगा, जैसे यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, ये पूरा आ रहा है यहाँ पे। तो ये मंथ का फॉर्मेट हो गया। इसके बाद है ईयर का। तो ईयर में क्या होता है, जैसे ईयर में अगर हमने फॉर्मेट में दो बार YY लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 20 आएगा, बाकी यहाँ पे नहीं बन के आएगा, सिर्फ जब डेट फॉर्मेट में बन के आएगी तो वो वहाँ पे 20 आएगा। अगर चार बार यहाँ पे YYYY लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2020 यहाँ पे ये आएगा, 2020 ये आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डेट फॉर्मेट को बनाएंगे। अब क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेट के कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं। ये फॉर्मेट कैसे बनते हैं, इनको हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सैंपल है यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब ये सैंपल यहाँ पे कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसको यहाँ पे करेंगे। तो सपोज़ करो यहाँ पे हमने डेट लिखी हुई है, ये 5/05, ये हमारा डे है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा मंथ है, इसके बाद यहाँ पे ये ईयर है। तो ये डे, मंथ, ईयर, ये जो है इसको हमने फॉर्मेट चेंज करना है इस फॉर्मेट में। तो हम कैसे ये डेट फॉर्मेट बनाएंगे, ये जो है यहाँ पे देखो ये हाइफन दिया हुआ है बीच में, तो ये हमने यहाँ पे स्लैश, ये डेट फॉर्मेट ऐसा बनाना है ये। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नंबर पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कस्टम पे जाना है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ जाएगा टाइप। टाइप ये जो है यहाँ पे DD लिखा हुआ है, MM लिखा हुआ है, YYYY लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से यहाँ पे डेट फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे हाइफन है, तो यहाँ पे हमने स्लैश लगाना है, तो इसको मिटाएंगे पहले, ये सारा मिटाया हमने। अब डेट फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे, DD लिखा, इसके बाद स्लैश, इसके बाद MM लिखा, इसके बाद स्लैश, इसके बाद YYYY ये लिखा। तो ये हमने फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट बनाने के बाद जब हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्लैश लग जाएगा, ये देखो ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास ये स्लैश यहाँ पे लग के आ गया। तो एक तो ये है डेट फॉर्मेट, अगर हमने चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट हमने इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ये देखो यहाँ पे
डे में क्या है, सिंगल डिजिट है 5 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद मंथ में सिंगल डिजिट है 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 डिजिट है, ये ईयर है। तो ये फॉर्मेट बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हाइफन ये लगाना है, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें। इसके बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, इसके बाद कस्टम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डेट फॉर्मेट बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे हम डेट फॉर्मेट बनाएंगे। तो इसके लिए एक डिजिट डे के लिए है, तो हम एक डी लिखेंगे, इसके बाद हाइफन है, इसके बाद हाइफन लगाएंगे, हाइफन लगाने के बाद एक डिजिट मंथ के लिए है, तो 1 M लिखेंगे, इसके बाद हाइफन, इसके बाद ईयर लिखेंगे। तो ईयर में 4 डिजिट है, तो इसके लिए हम 4 बार वाई 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 लिखा। तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो डे में एक डिजिट आ गया, यहाँ पे मंथ में एक डिजिट आ गया, और ईयर में हमने 4 बार बाई लिखा था, तो यहाँ पे 2020 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेट फॉर्मेट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये बनाने के बाद ये हमारे पास डेट फॉर्मेट है। अगर हमें बोला जाता है कि ये फॉर्मेट बनाओ, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है डे, लिखा हुआ है 05, यहाँ पे डे लिखा हुआ है, और साथ में क्या है यहाँ पे जनवरी ये लिखा हुआ है, तो जनवरी पूरा है ये मंथ, इसके बाद ईयर पूरा लिखा हुआ है ये, तो ये कैसे हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है फॉर्मेट हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट ये यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या है हमारे पास ये देखो 05 05 डे है, तो ये हम इसको मिटाएंगे, ये सारा हमने यहाँ पे मिटाया 05, तो 2 बार हम डी डी लिखेंगे। इसके बाद ना तो बीच में हाइफन है और ना ही बीच में स्लैश है, तो ये हम यहाँ पे स्पेस देंगे, ये स्पेस दिया, जनवरी यहाँ पे मंथ नेम पूरा है, तो पूरा लिखने के लिए हम 4 बार M लिखते हैं, तो ये हम 1 2 3 4 ये 4 बार M लिखा। इसके बाद ये देखो ना हाइफन है ना स्लैश है, तो हम क्या करेंगे इसमें स्पेस देंगे, स्पेस दिया, इसके बाद 4 बार Y लिखेंगे, 1 2 3 4 ये 4 बार। ये लिखने के बाद अब क्या होगा, ये जो है इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देखो ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये बन के आ जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद बोला जाता है कि इस फॉर्मेट को बनाओ, इसमें क्या है ये ईयर ये पहले दिया गया है, उसके बाद मंथ उसके बाद है, और ये जो डेट है ये सबसे पीछे दी गई है। तो ऐसा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, इसके बाद कस्टम पे यहाँ पे डेट फॉर्मेट बनाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है ईयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई 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 4 बार वाई 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 लिखेंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे मंथ है, इसके बाद हाइफन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, इसके बाद मंथ ये मंथ है, तो हम MM 2 बार लिखेंगे, 2 बार क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है। इसके बाद फिर हाइफन है, देखो हाइफन यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद ये डे है, ये भी 2 बार हम DD लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट है यहाँ पे, तो ये DD लिखा। लिखने के बाद हम जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट जो है ये बन के आ जाएगा, ये देखो ओके पे क्लिक किया तो ये फॉर्मेट बन के यहाँ पे आ गया, ये देखो। अब बोला जाता है कि ये फॉर्मेट है, तो हमें यही फॉर्मेट चाहिए, जिसमें कि ये जैन लिखा हुआ है, यहाँ पे जनवरी शॉर्ट में लिखा हुआ है, और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कस्टम पे जाएंगे, और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप में यहाँ पे हम इसको मिटाएंगे, अब ये फॉर्मेट बनाएंगे ये। तो ये कैसे बनेगा, हमें यहाँ पे मंथ ही चाहिए और ईयर ही चाहिए, तो मंथ में क्या है यहाँ पे शॉर्ट में है JAN, तो JAN, तो हम यहाँ पे 3 बार M लिखेंगे, ये देखो 3 बार M लिखा।
इसके बाद क्या है, यहाँ पे बीच में हाइफन है तो हम यहाँ पे हाइफन लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 20 है तो 20 है तो दो बार हम यहाँ पे वाई वाई लिखेंगे। ये देखो दो बार वाई वाई लिखा। इसके बाद क्या किया, ओके पे क्लिक किया। ये देखो ये फॉर्मेट बन के आ गया है। जनवरी यहाँ पे शॉर्ट में था, ये शॉर्ट में बन के आ गया। इसके बाद यहाँ पे 20 था और ये हाइफन के बाद यहाँ पे 20 आ गया। इसके बाद अगर बोला जाता है कि मंथ पहले लिखो, जैसे यहाँ पे मंथ पहले है 01, मंथ पहले है। इसके बाद स्लैश 05, ये क्या है, ये है डे, डे उसके बाद है। और उसके बाद क्या है, ईयर, ईयर में क्या है 20 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो ऐसा डेट फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोन नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे मंथ, तो हम MM लिखेंगे, MM क्योंकि दो डिजिट है यहाँ पे। इसके बाद स्लैश लगाएंगे, ये स्लैश लगाया। इसके बाद यहाँ पे दो डिजिट डे में है तो हम DD लिखेंगे, DD। इसके बाद स्लैश, इसके बाद 20 है तो दो बार बाय बाय लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे बन के आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी डेट का फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम डेट फॉर्मेट ना बनाएं, अपने आप ही बन के आ जाए, तो यहाँ पे बहुत से डेट फॉर्मेट बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे, तो ये देखो ये यहाँ पे बहुत से नंबर फॉर्मेट हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो इसको यहाँ पे लाते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसको यहाँ से चेंज करना है, तो यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये डे पहले है, ये जो है ये यहाँ पे है, और मंथ उसके बाद है, ये जो है यहाँ पे है, तो ये फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो। तो इस प्रकार हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके, मोर नंबर फॉर्मेट और कस्टम में जाके इन फॉर्मेट का हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो जैसे ये कस्टम में ये डेट फॉर्मेट बना हुआ है तो ये चाहिए, जिसमें कि क्या है डे है और मंथ जो है शॉर्ट में है और इसके बाद ईयर है, ये चाहिए। तो ये करने के लिए इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसमें ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कस्टम फॉर्मेट में जाके डेट फॉर्मेट को बना सकते हैं। अगर कस्टम फॉर्मेट में जो डेट फॉर्मेट पड़े हुए हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यही फॉर्मेट डेट का हम चेंज करना चाहते हैं डेट फॉर्मेट के जरिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद ये देखो बहुत से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी चाहिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमें ये चाहिए, ये वाला, ये फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, तो ये फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो इसमें चेंज हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हम डेट फॉर्मेट में जाके किसी भी फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अगर कंट्री वाइज इसको चेंज करना है तो हम डेट को कंट्री वाइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, हम फिर यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद ये देखो लोकेशन यहाँ पे आया हुआ है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, ये इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको कंट्री वाइज डेट को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये कंट्री वाइज आ गया। सपोज करो इंग्लिश इंडिया है, यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस कंट्री में इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसमें चेंज हो जाएगा। या किसी और कंट्री में इसको चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे डेट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जगह अगर और कंट्री चाहिए, और कंट्री में इसको चेंज करना है तो हम इसको और कंट्री में चेंज कर देंगे। जैसे ये देखो बहुत सी यहाँ पे कंट्रीज हैं, जो भी हमें चाहिए उस कंट्री में हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये चेंज हो जाएगी। तो कंट्री वाइज भी हम इसको डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको इंग्लिश इंडिया रहने देते हैं, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और डेट पे जाएंगे, और यहाँ पे
इंग्लिश इंडिया चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ये डेट, और इसके बाद ओके पे क्लिक किया, ये इंग्लिश इंडिया बन के आ जाएगा। तो कंट्री वाइज भी हम डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम करेंगे कि लैंग्वेज के हिसाब से कैसे डेट को चेंज किया जाता है। जैसे सपोज करो इसी डेट को हमने तमिल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पंजाबी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज करो इसको पंजाबी में हमने चेंज करना है डेट फॉर्मेट को, तो ये काम कैसे करना है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, डेट पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको पंजाबी में करना चाहते हैं, पी यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे पंजाबी हम लेंगे, जैसे यहाँ पे पंजाबी इंडिया, ये देखो यहाँ पे आ गया पंजाबी इंडिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो पंजाबी इंडिया, इसके भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, सपोज करो ये फॉर्मेट हमें चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया, तो ये देखो तो ये जो है ये पंजाबी लैंग्वेज में डेट चेंज हो जाएगी। ये देखो ये जो है यहाँ पे डे आया हुआ है, इसके बाद आगे हमारा मंथ नेम आया हुआ है, इसके बाद ये ईयर है, तो ये पंजाबी में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेट है ये हिंदी में चेंज हो, तो हिंदी में डेट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया, डेट पे क्लिक किया, डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो लिखी पंजाबी इंडिया, यहाँ पे हम मोर बटन पे क्लिक करेंगे और हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एच दबाएंगे, और एच दबाने के बाद ये देखो हिंदी यहाँ पे आ गया है, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी के ये ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखो सभी ये हिंदी के ऑप्शन है, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज करो हमें हिंदी में चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये हिंदी में आ जाएगी डेट। तो हिंदी में भी हम डेट को चेंज कर सकते हैं अगर ये हिंदी में है। इसके बाद अगर हमें ये इंग्लिश में चाहिए फिर तो ये कैसे करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ई क्लिक किया और इंग्लिश यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंग्लिश इंडिया यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखो इंग्लिश इंडिया ये जो है इंग्लिश में ये चेंज हो जाएगी डेट। तो इस तरह से हम डेट को किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डेट फॉर्मेट को अलग अलग फॉर्मेट में बनाना सीखा, डेट को कंट्रीज़ के हिसाब से चेंज कैसे किया जाता है, और पंजाबी हिंदी आदि लैंग्वेज में डेट फॉर्मेट को कैसे चेंज किया जाता है के बारे में सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।